दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज हो चुका है 17 नवंबर 2019 और देश के अलग अलग राज्यों से आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चले चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। मानदेय बढ़ोतरी को ले आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने दिया धरना, और ये न्यूज निकल कर आ रही है बिहार के सीवान से। सीवान प्रखंड मुख्यालय के CDPO कार्यालय पर शनिवार को आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा पांडे व प्रखंड अध्यक्ष गायत्री ने संयुक्त रूप से किया। धरना को संबोधित करते हुए पुष्पा पांडे ने कहा कि सरकार सभी आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाए। सरकार अभी तक सेविका व सहायिकाओं को जो मानदेय दे रही है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि यूपी सरकार सेविकाओं व सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है, उसी तर्ज पर प्रदेश की सरकार भी मानदेय बढ़ाए। धरने के बाद मानदेय बढ़ाने से संबंधित मांग पत्र प्रखंड कार्यालय में BDO की अनुपस्थिति में प्रधान लिपिक को सौंपा गया। धरने में किरण देवी, पुष्पा देवी सहित अन्य आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका शामिल थीं। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। प्रमुख सचिव के खिलाफ आंदोलन करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। दोआबा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रमुख सचिव के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में। बढ़ाए गए मानदेय को प्रोत्साहन राशि का नाम दिए जाने से वह खफा है। शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय स्थित डाइट मैदान में बैठक करके आंदोलन रूपरेखा तैयार की। मंझनपुर स्थित डाइट मैदान में बैठक को संबोधित करते हुए महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कार्यकारी जिलाध्यक्ष माया सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी को मानदेय में 1,500 रूपए की बढ़ोतरी की थी। प्रमुख सचिव ने मानदेय के बजाय इसे प्रोत्साहन राशि का नाम दे दिया। बढ़ी हुई यह राशि भी किसी को अभी तक नहीं दी गई है। 2 महीने से मूल मानदेय भी नहीं दिया जा रहा, इससे आंगनबाड़ियों के सामने 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया। कार्यकारी जिलाध्यक्ष ने बताया कि मानदेय का नाम प्रोत्साहन राशि करने और 2 महीने का मानदेय नहीं दिए जाने के विरोध में प्रमुख सचिव के खिलाफ जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस मौके पर सुषमा देवी, संजना दीक्षित, रेणु हेमा, पुष्पा राजबेटी आदि मौजूद रहीं। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोगों का मानदेय आपको टाइम पर मिलता है या फिर नहीं मिलता। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपनी जगह का नाम लिखिए और ये लिखिए कि आपको आपका मानदेय टाइम पर मिलता है या फिर नहीं मिलता। चलिए चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भ्रूण परीक्षण गैंग का किया बड़ा खुलासा। आशा वर्कर और ये बड़े डॉक्टर भी शामिल। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने भ्रूण परीक्षण के खेल का बड़ा खुलासा किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भ्रूण परीक्षण का खेल आशा वर्कर के घर पर चल रहा था। हरियाणा और बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी मिली थी कि बुलंदशहर के दिनोल गाँव में भ्रूण परीक्षण का खेल लंबे समय से चल रहा है। सूचना पर हरियाणा और बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहाँ एक दंपति को ग्राहक बनाकर 500 रूपए के 80 नोट लेकर भेजा गया। नोटों की पूरी डिटेल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपने पास रख ली। इसके बाद विभागीय टीम ने कार्रवाई की। टीम ने मौके से पोर्टेबल मशीन, कई उपकरण व 3 को मौके से पकड़ा है। मौके से नकदी, शहर के नामी डॉक्टरों के विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं। विजिटिंग कार्ड के पीछे मरीजों का नाम लिखा मिला है। माना जा रहा है कि नामी डॉक्टर भी इस खेल में शामिल हैं। वे भी ग्राहकों को उनके पास भेजते थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। 4 से लेकर 7,000 रूपए तक ग्राहकों से वसूले जाते थे। खास बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के आशा वर्कर के घर पर भ्रूण परीक्षण किया जा रहा था। बताया गया है कि इसका नेटवर्क यूपी के अलावा हरियाणा में भी फैला हुआ था। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के बैतूल से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोली, हम नहीं करेंगे BPL का सत्यापन। BPL सर्वे सूची के सत्यापन प्रशिक्षण का शुक्रवार को शहर की 96 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बहिष्कार किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे पास प्रशिक्षण के लिए समय नहीं है। दोपहर 3 बजे तक आंगनबाड़ी के संचालन के अलावा अन्य शासकीय कार्य भी करते हैं, इस कारण सत्यापन कार्य नहीं करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रशिक्षण की जानकारी हमारे अधिकारियों को भी नहीं है। केवल व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर प्रशिक्षण की सूचना दी गई है, कोई आदेश भेजा नहीं गया। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। आशा ले गई निजी अस्पताल, लापरवाही से गर्भस्थ की मौत। रक्षा मंत्री से शिकायत से मचा हड़कंप। हद है बेहतर इलाज का झांसा देकर आशा बहु ही गर्भवती को सरकारी की जगह निजी अस्पताल ले गई, जहां 20,000 रूपए एडवांस जमा करने के बाद भी देर रात डॉक्टर ऑपरेशन के लिए नहीं पहुंची। दूसरे डॉक्टर को बुलाने के लिए दोबारा 20,000 रूपए जमा कराए गए, लेकिन सुबह तक वह डॉक्टर भी नहीं आई। इस लापरवाही ने नवविवाहित दंपति के जीवन में आने वाली खुशियों को ही छीन लिया और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। पति ने मामले की शिकायत CMO व रक्षा मंत्री के प्रतिनिधि से की है। एयरपोर्ट के पास फरुखाबाद चिल्लावा गाँव की ज्योति सेन गर्भवती थी। पति रवि प्रसाद के मुताबिक 3 नवम्बर को उसके घर आशा बहु आई। उसने ज्योति के प्रसव का समय नजदीक बताया, साथ ही डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। आशा
उन्हें बेहतर इलाज का झांसा देकर सरकारी के बजाय आशियाना स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची। यहां मौजूद पुरुष डॉक्टर ने अस्पताल में सामान्य व सीजेरियन प्रसव की सुविधा 24 घंटे होने का दावा किया। ऐसे में 20,000 रुपए जमा कर ज्योति सेन को दोपहर 2 बजे भर्ती कर लिया गया। रवि प्रसाद के मुताबिक ज्योति को डॉक्टर नॉर्मल प्रसव के लिए जोर देते रहे, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। इस बीच परिजनों ने मौजूद महिला डॉक्टर से ऑपरेशन से प्रसव कराने की सलाह दी, मगर उन्होंने सुबह क्वीन मेरी में ड्यूटी का हवाला देकर रात में ऑपरेशन करने से मना कर दिया। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कार्रवाई सीएमओ डॉक्टर डीके वाजपेयी ने कहा कि शिकायती पत्र कार्यालय में पता करूंगा, इसके बाद जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।